नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। मैं सुमित भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा भूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, वो हरियाणा राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल के विषय में रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पर्यटन की। पर्यटन होता क्या है और एक होता है पर्यटन। ठीक है, पर्यटन होता है जिसको हम देखने के लिए जाते हैं, वो तो क्या होता है पर्यटन स्थल, और हम क्या होंगे उसके पर्यटन। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जल महल है, डोसी है, ठीक है, समा है, चकोर पर्यटन स्थल है, काला तीतर पर्यटन स्थल है। जो देखने की चीज होती है वो तो क्या कहलाते हैं, पर्यटन कहलाता है, और जो लोग देखने जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके पर्यटक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक बात होनी चाहिए कि राज्य में, हरियाणा राज्य में कुल ऐसे कितने पर्यटन स्थल हैं। तो कुल पर्यटन स्थल की बात करें दोस्तों, कुल पर्यटन स्थल की बात करें तो कुल पर्यटन स्थल कितने हैं हरियाणा राज्य में, लगभग 45 है दोस्तों। कितने हैं? लगभग 45। HSSC के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, लगभग कितने हैं? 45 है हमारे हरियाणा में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। हरियाणा पर्यटन दिवस सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरियाणा में जो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 सितंबर। कब मनाया जाता है पर्यटन दिवस? 1 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे कि लगभग आपने HSSC के एग्जाम में देखा होगा, हमेशा आता है कि पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने HSSC में भी आया होगा, अगर आपने आया एग्जाम दिए हैं, हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है, अभिनेता धर्मेंद्र व हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी, ठीक है, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हरियाणा पर्यटन विभाग के तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन विभाग के द्वारा राज्य में सबसे बड़ा कौन सा मेला लगाया जाता है। कि पर्यटन विभाग के द्वारा राज्य में सबसे बड़ा मेला कौन सा लगाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पर्यटन विभाग के द्वारा राज्य में सबसे बड़ा जो कुंभ मेला होता है, सूरज कुंड मेला है। कौन सा है? सूरज कुंड हस्त शिल्प मेला। कहाँ पे लगता है ये? सूरज कुंड फरीदाबाद में। ठीक है, सूरज कुंड कहाँ पे? फरीदाबाद में लगता है मेला। ठीक है ना, सूरज कुंड किस विभाग के द्वारा लगाया जाता है? पर्यटन विभाग के द्वारा राज्य में सबसे बड़ा मेला की बात करें तो हम कौन सा है? सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? ये फरीदाबाद जिले में लगता है। उसके बाद है, हम सबसे पहले जो बात करते हैं पर्यटन विभाग की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि पर्यटन विभाग है ये मंत्रालय किसके पास है दोस्तों। वर्तमान में 2019-20 के अनुसार जो हरियाणा पर्यटन विभाग है वो किस मंत्री के पास है? पर्यटन जो विभाग है दोस्तों वो किसके पास है? पर्यटन, अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा राज्य में पर्यटन मंत्री कौन है, तो कौन है दोस्तों? कंवर पाल गुर्जर जो जगाधरी से है, जगाधरी यमुनानगर से है। तो पर्यटन विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? कंवर पाल गुर्जर है। पिछली बार ये विधानसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब की बार हम बात करें तो पर्यटन विभाग के जो मंत्रिमंडल है, ये मंत्री है, उस जो मेन डिपार्टमेंट है हरियाणा के, शिक्षा मंत्री भी है। वर्तमान में पूछा जाए कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पर्यटन परिपथ के रूप में किसे विकसित किया गया है? कि पर्यटन परिपथ के रूप में किसको विकसित किया है? तो दोस्तों ध्यान रखना, पिंजौर पिंजौर
पिंजौर के बाद कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बाद पानीपत। ठीक है, क्वेश्चन बनता है पर्यटन परिपथ के रूप में किस स्मारक को विकसित किया है दोस्तों, पिंजौर, कुरुक्षेत्र, पानीपत। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक पर्यटक आते हैं दोस्तों, लोग स्थान को देखने आते हैं, पर्यटनों को देखने के लिए आते हैं हरियाणा के किस जिले में, तो सर्वाधिक किस स्थान पे आते हैं, कुरुक्षेत्र जिले में आते हैं सर्वाधिक। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे कम पर्यटक कहाँ पे आते हैं हरियाणा में, जो पर्यटनों को देखने के लिए सबसे कम पर्यटक कहाँ पे आते हैं दोस्तों, फतेहाबाद में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, फतेहाबाद में, और सबसे कम आते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, पर्यटक लोग सबसे कम आते हैं यहाँ पे, सर्वाधिक की बात करें तो यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, हरियाणा जो पर्यटन है उसका चिन्ह क्या है, हरियाणा पर्यटन विभाग का चिन्ह क्या है, पर्यटन विभाग का इंपोर्टेंट है ये, हरियाणा पर्यटन विभाग का चिन्ह की बात करते हैं दोस्तों। चिन्ह क्या है इसका, मोर है। क्या है, मोर। पेपर में मयूर भी दे सकता है, पीकॉक भी दे सकता है एचएसएससी के अनुसार। ठीक है, ध्यान में रखना कि हरियाणा जो पर्यटन विभाग है उसका जो चिन्ह है वो क्या है, मोर है। मयूर भी संस्कृत का है, इंग्लिश में पीकॉक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि हरियाणा जो पर्यटन विभाग उसका लोगो क्या है, हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो की बात करते हैं। लोगो, लोगो क्या है दोस्तों, लोगो है इसमें हरियाणा जो पर्यटन विभाग का लोगो की बात करते हैं, हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो क्या है, लोगो कम होलीडे, कम होलीडे विजिटर्स। उसके बाद हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है हरियाणा पर्यटन विभाग का, हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो, लोगो की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। इसमें कम होलीडे, होलीडे विद अस, कम होलीडे विद अस, हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो की बात करें तो क्या है, कम होलीडे विद अस, हरियाणा विभाग का चिन्ह की बात करें तो क्या, मोर है। इसका मतलब क्या है, आओ छुट्टियां मनाएं। ठीक है, आओ छुट्टियां मनाएं। तो दोस्तों ये है, फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट उठता है कि हरियाणा में पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा में पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है, हरियाणा में पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों। पुस्तक का नाम है हरियाणा ट्रेवल गाइड, हरियाणा ट्रेवल गाइड। क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों, ध्यान रखना हरियाणा ट्रेवल गाइड। जी कुछ इंपोर्टेंट बात थी, अब हम हरियाणा की जो मुख्य पर्यटन स्थल है उनके विषय में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यटन विभाग को जो बढ़ावा देने की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उनके विषय में दोस्तों। सबसे पहले आता है समा पर्यटन स्थल और एक सारस पर्यटन स्थल। देखो समा पर्यटन स्थल और सारस पर्यटन स्थल कहाँ पे है, जो है गुरुग्राम जिला में है। आपने पढ़ा होगा कि सारस, साइबेरियन सारस पक्षी आते हैं कहाँ, रूस के साइबेरिया क्षेत्र से कहाँ पे आते हैं, गुरुग्राम जिले में। कौन से नेशनल पार्क में आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सा नाम है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। उनका आनंद रखना आपने कि सारस है ना वो क्या आता है, शर्मा जाता है, सारस पक्षी हो कैसे होते शर्मा जाते हैं। तो सारस पर्यटन स्थल और समा पर्यटन स्थल कहाँ पे है, गुरुग्राम जिला में स्थित है। उसके बाद है ब्लू
बर्ड व फ्लेमिंगो, जो प्रेडेटर था ब्लू बर्ड, प्रेडेटर स्थल व फ्लेमिंगो, प्रेडेटर स्थल कहां पे दोस्तों? सिरसा जिला में। दोस्तों ब्लू बर्ड ध्यान रखना, गांव जो है आज ब्लू है, पानी पानी, हनी सिंह को आया दोस्तों, ध्यान रखना ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड ठीक है। नीला पक्षी कहां पे है? हिसार जिला में। फ्लेमिंगो कहां पे? हिसार में है ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद रहता देखो, ब्लू फ्लाई, ब्लू फ्लाई ध्यान रखना, ब्लू फ्लाई ठीक है ना, ब्लू फ्लाई, फ्लाई का हुआ उड़ना। हमारा हरियाणा में जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ठीक है, वो फ्लाई क्या हो गया? उड़ना। तो कहां पर दोस्तों? हिसार जिले में। तो ब्लू फ्लाई, ब्लू रंग के जो एयरपोर्ट है कहां पे है? हिसार। तो ब्लू बर्ड प्रेडेटर स्थल कहां पे है? हिसार में है। और फ्लेमिंगो प्रेडेटर स्थल भी कहां पे है? हिसार जिले में स्थित है। उसके बाद है किंगफिशर, किंगफिशर इसका तो नाम आप तो सुनते ही समझ में आ गया, किंगफिशर ठीक है ना। किंगफिशर है वो प्रेडेटर स्थल कहां पे है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है किंगफिशर। किंगफिशर जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ पे? अंबाला जिले में स्थित है। कहाँ पे है? अंबाला जिले में स्थित है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, मैना पर्यटन स्थल, इलियार पर्यटन स्थल, देगल का शिवालय पर्यटन स्थल, यहाँ पे लोग इनको देखने के लिए आते हैं, पर्यटक आते हैं पर्यटन स्थलों को ठीक है। तो मैना पर्यटन स्थल और तिलियार पर्यटन स्थल, देगल का शिवालय, ये सभी के सभी कहाँ पे दोस्तों? रोहतक जिले में स्थित है। रोहतक, रोहतक जिले को हरियाणा का लैंड लॉक्ड जिला कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड जिला। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, नहीं केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा लगाता है ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है बुलबुल पर्यटन स्थल, हरियाल पर्यटन स्थल कहाँ पे है? जींद में। कि बच्चा है वो जिद कर लेता है, क्या कर लेता है? जिद, क्या? मैं हरी बुलबुल देखूंगा। क्या देखूंगा? हरी बुलबुल देखूंगा ठीक है ना। ध्यान रखना कि बुलबुल की बात आए तो कैसी देखनी हमें? हरी। तो क्या हुई? वो जिद हो गई हमारी। तो देखो बुलबुल जो पर्यटन स्थल कहाँ पे है? जींद में। और हरियाल, हरी से क्या हो गया? हरियाल पर्यटन स्थल कहाँ पे है दोस्तों? जींद जिला में। उसके बाद जो नेक्स्ट कराना बात वह है करण झील। करण झील दोस्तों कहाँ पे? करनाल जिले में स्थित है ठीक है। करण झील और ओएसिस दो पर्यटन स्थल है, ये दोनों की दोनों कहाँ पे? करनाल जिले में स्थित है। करण झील इम्पोर्टेंट है, ओएसिस भी इम्पोर्टेंट है। पेपर में आया हुआ है कि करण जो झील पर्यटन स्थल या ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ पे है? करनाल जिले में स्थित है। उसके बाद है कानोड का किला या कानोड दुर्ग भी कहते हैं, डोसी, डोसी की पहाड़ी भी कह सकते हैं, जल महल, जल महल हो गया ठीक है दोस्तों। ये सब कहाँ पे? महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ दोस्तों। जो कानोड का किला है, कानोड का दुर्ग है ठीक है, इसको पर्यटन विभाग के द्वारा इनका पुनः जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कानोड का किला है, जो कानोड दुर्ग है, इसका जो पर्यटन विभाग के द्वारा इसका पुनः जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डोसी की पहाड़ी की बात करते हैं दोस्तों। डोसी की पहाड़ी कहाँ पे? नारोल में स्थित है, नारोल तहसील में, महेंद्रगढ़ में। और कौन से गाँव में? कुलदासपुर गाँव में है। सोम ऋषि की तपोवन जन्मभूमि से कहा जाता है ठीक है, डोसी की पहाड़ी। उसके बाद जल महल दोस्तों, पेपर में काफी बार पूछा, जल महल भी कहाँ पे है? नारोल। किसने बनाया? शाहबुद्दीन खान ने बनाया जिसने जल महल का निर्माण किया दोस्तों, आरा में, कोस्टर बाग में। नारोल में ही दोस्तों एक जगह है केसरिया धाम मंदिर, बालाजी का मंदिर है, खाले वाला बालाजी का मंदिर, रघुनाथपुरा गाँव ठीक है ना, वहां पर ये मंदिर है। ये सब कहाँ पे पर्यटन स्थल दोस्तों? महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद है चकोर, जो पर्यटन स्थल है कहाँ पे? सोनीपत में। चकोर जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ पे है? सोनीपत में। थोड़ा समझने की बात है कि चकोर कि सोनी, देखो सोनीपत में सोनी कैसी रोटी होती है बनाती है, सोनी है वो कैसी रोटी बनाती है? चकोर बनाती है, ध्यान रखना। चकोर कैसी रोटी बनाती है? चकोर। तो चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई साहब? सोनीपत में, ध्यान रखना ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट पर्यटन स्थल है रेड रोबिन, जो पर्यटन स्थल है रेड रोबिन, भैया रेड रोबिन पर्यटन स्थल और भैया जो पर्यटन स्थल वो कहां पे है? भिवानी में। कहां पे है रेड रोबिन और भैया जो पर्यटन स्थल कहां पे है? भिवानी जिले में स्थित है। उसके बाद है पैराकीट सेठ चिल्ली का मकबरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को दोनों एग्जाम में आए हुए हैं कि पैराकीट जो पर्यटन स्थल है भाई कहाँ पे? कुरुक्षेत्र जिला में, जो भी पेपर में आया वो है।
शेख चिल्ली का मकबरा हमेशा ही पेपर में रहता है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में। एन ए भाई साहब हरियाणा का छोटा ताज, हरियाणा का ताज महल भी कहते हैं। शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताज महल कहते हैं। तो शेख चिल्ली था ये किसका धर्म गुरु था भाई साहब? यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, शेख चिल्ली है ना, किसका धर्म गुरु था? शाहजहां का धर्म गुरु था भाई साहब। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं, बताता हूँ। शेख चिल्ली के पैरों के पास क्या था? कीट था। शेख चिल्ली के पैरों में क्या था? कीट था, तो पैरा कीट। और शेख चिल्ली पर्यटन स्थल कहाँ पे दोस्तों? कुरुक्षेत्र जिला में स्थित है। उसके बाद है काला तीतर पर्यटन स्थल। कौन सा है? काला तीतर पर्यटन स्थल। तो काला तीतर पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर है? सिरसा जिला में भाई। कहाँ पे है? सिरसा जिला में। देखो ध्यान रखना, तीतर का सिर कैसा है? काला। तीतर का सिर कैसा है? काला। तो काला तीतर का यहाँ पे है सिर, तो सिर से क्या हुआ? सिरसा। तीतर का सिर कैसा है? काला। काला तीतर कहाँ पे दोस्तों? सिरसा में। ध्यान रखिए पर्यटन स्थल, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है बड़खल झील। बड़खल झील, डबसिक, सूरजकुंड, तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है। बड़खल झील, डबसिक पर्यटन स्थल और सूरजकुंड, ठीक है ना। तो ये दोस्तों कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में स्थित। कौन सा? फरीदाबाद जिला में स्थित है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की कोयल पर्यटन स्थल और कलायत पर्यटन स्थल। कोयल पर्यटन स्थल की बात करते हैं, कहाँ पे है? कैथल में है। और कलायत पर्यटन स्थल भी कहाँ पे है? कैथल। दोस्तों आपने एक ऋषि मुनि का नाम ध्यान में, कलायत कैथल से ही है। कौन है? कलायत कैथल से। यहाँ से मैं दो क्वेश्चन बताऊंगा इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आप करते हो, मैंने यहाँ पे लिखा क की पावर 3 ले लिया, तो मतलब मैंने क्या कर दिया? क एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क की पावर 3 हो गया। कैसे हो गया दोस्तों कैथल? कैसे हो गया? कलायत। कलायत। और कैसे एक ऋषि का नाम ले रहे हो? कपिल मुनि ऋषि। क्या हो गया? कपिल मुनि ऋषि का संबंध कहां से दोस्तों? कपिल मुनि जो ऋषि हैं उनका संबंध कहां से? कलायत से है, ठीक है। कपिल मुनि ऋषि का संबंध कहां से? अगर मैं बात करता हूं यहां से इंपॉर्टेंट है, कलायत विधानसभा की बात करता हूं, विधानसभा की दोस्तों। कलायत विधानसभा से एक ही महिला ने मंत्रिमंडल में शामिल करो की बार हरियाणा मंत्रिमंडल में, राज्य स्वतंत्र विभाग में। कौन सब दोस्तों? कलायत सी है कमलेश ढांडा। ध्यान रखना कमलेश ढांडा, ठीक है। महिला बाल विकास मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री की बात करें तो कौन है दोस्तों हरियाणा में? कमलेश ढांडा है, ठीक है ना। कहां से विधानसभा सी? कलायत सी है, ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट है हरियाणा के। अब आगे जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो पर्यटन स्थल है आगे उसकी बात करते हैं। आगे है ब्लूजे कालाम स्काईलार्क। एक है पर्यटन स्थल ब्लूजे, ब्लूजे। दूसरा है काला अंब, काला अंब जहां पे पानीपत की लड़ाई हुई थी, पर्यटन स्थल है। और एक है स्काईलार्क। जो तीन जो पर्यटन स्थल है दोस्तों कहां पे है? पानीपत में। कहां पे? किस जिले में स्थित है? पानीपत जिले में स्थित है। तो काला अंब है इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है जंगल बबलर पर्यटन स्थल है सैंड पाइपर। जो जंगल बबलर पर्यटन स्थल है दोस्तों कहां पे है? दारूहेड़ा में है। कहां पे है? दारूहेड़ा रेवाड़ी में स्थित है, ठीक है। जंगल बबलर पर्यटन स्थल और सैंड पाइपर जो पर्यटन स्थल कहां पे है? रेवाड़ी जिले में स्थित है। उसके आगे जो नेक्स्ट है ताजेवाला, जहां पे यमुना नदी का प्रवेश होता है, ताजेवाला का स्थान से, ठीक है ना। कलेश्वर जंगल, ताजेवाला कलेश्वर जंगल है, कलेश्वर जगह है। और अथनी कुंड है बैराज, ये पर्यटन स्थल है दोस्तों यमुनानगर जिले के, ठीक है। एक यहाँ पे रंगीला हनुमान मंदिर भी है, कपाल मोचन मंदिर भी है, ठीक है। कपाल मोचन गुरुद्वारा भी है, एक प्रकार से ये भी पर्यटन स्थल है। जबकि यहाँ पे पड़े ताजेवाला कलेश्वर अथनी कुंड जो पर्यटन स्थल है तो आपके जिले में है, यमुनानगर जिले में स्थित है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करते हैं रेड बिशप पर्यटन स्थल है, एक जटायु यंत्रिका या जटायु यांत्रिका भी कह सकते हैं। मोरनी हिल्स की पहाड़ी है, मोरनी हिल्स भी है। ये सब कहाँ पे पर्यटन स्थल है दोस्तों? पंचकुला जिले में स्थित है। रेड बिशप भी है, जटायु यंत्रिका भी है, मोरनी हिल्स, तो ये पर्यटन स्थल है, ठीक है। यहाँ पे तीनों के तीनों कहाँ पे है दोस्तों?
पंचकुला जिले में स्थित है। उसके बाद है जो नेक्स्ट पर्यटन स्थल है पपीहा, पपीहा पर्यटन स्थल कहां पे है, फतेहाबाद जिले में स्थित है। जो पपीहा पर्यटन स्थल कहां पे है, फतेहाबाद जिले में स्थित है। उसके बाद है गोरिया, जो पर्यटन स्थल है गोरिया, गोरिया बहादुरगढ़ जिले में स्थित है। कहां पे, बहादुरगढ़। वो बहादुरगढ़ कौन से जिले में आता है दोस्तों, झज्जर जिले में आता है। उसके बाद है डबसिक पर्यटन स्थल, डबसिक की पर्यटन स्थल आप सोच रहे होंगे डबसिक फरीदाबाद में लिखा है दोस्तों, दो जगह डबसिक, ठीक है, आपको एसएससी के अकॉर्डिंग करना है आंसर, ठीक है ना। डबसिक पर्यटन स्थल कहां पे है, पनवल। कहां पे है, पनवल है डबसिक ही, कहां पे, फरीदाबाद। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो आपको क्या करना है, पनवल करना है। क्या करना, डबसिक कहां पे है, होटल में है डबसिक, होटल पर्यटन होटल, ठीक है। और डबसिक जो पर्यटन स्थल कहां पे है, पनवल होटल में है। एक लास्ट है डेरमो पर्यटन स्थल है, डेरमो पहले भिवानी में था दोस्तों, भिवानी चरखी दादरी अलग हो गया, ठीक है, चरखी दादरी अलग हो रही। एक बार डेरमो पर्यटन स्थल यहाँ पे आ गया चरखी दादरी, और चरखी दादरी को क्या कहते हैं, भिवानी की छोटी बहन भी कहते हैं। चरखी दादरी को क्या कहते हैं, भिवानी की छोटी बहन। अब आप एक बात बताता हूँ छोटी, बेस ध्यान से सुनना, कि जो ये पर्यटन स्थल है हरियाणा की, हरियाणा विभाग जो पर्यटन विभाग है उसकी नई नीति 2008 के अनुसार घोषित किया गया है। हरियाणा की जो पर्यटन विभाग की नीति बनाई है 2008 के अनुसार इसमें घोषित किया गया है, जो भी पर्यटन स्थल होंगे, धार्मिक स्थल होंगे, उन स्थानों पे दोस्तों बिजली होगी, पानी होगा, सड़क मार्ग होगा आदि ऐसी चीज घोषित की गई है, इन पर कोई रुकावट या परेशानी की आवश्यकता नहीं आए, ठीक है। तो हरियाणा में पर्यटन विभाग की यहां से दो तीन क्वेश्चन मैं आपसे रिपीट करता हूं। हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 1 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा पर्यटन विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर है हमेशा पेपर में आते हैं आपके, ठीक है ना, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है। हरियाणा जो पर्यटन विभाग के चिन्ह की बात करें तो बोले हम मोर है। उसके बाद हम बात करते हैं लोगों की, बात करें कि हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो क्या है, तो लोगो है दोस्तों कम हॉलीडे विद अस, आओ छुट्टियां मनाएं, ठीक है ना। पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग के जो विभाग है किसके पास है, मंत्री पूछता है, कंवरपाल गुर्जर है, और इनके पास क्या है, शिक्षा मंत्री के। वर्तमान में 2019-20 के अनुसार अच्छो हरियाणा जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है, कंवरपाल गुर्जर कहां से है दोस्तों, जगाधरी से, ठीक है ना। उसके बाद पर्यटन विभाग के द्वारा सबसे बड़ा जो मेला लगता है कौन सा, सूरजपुर मेला, हस्तिल मेला लगता है फरीदाबाद सूरजपुर में, ठीक है। ये हरियाणा पर्यटन विभाग के डाटा था। आज के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।